हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से नव वर्ष के इस पावन अवसर पर, नव वर्ष का पहले दिन के अवसर पर अब तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। अब मन में आएगा कि आखिरकार नव वर्ष आज कैसे, वास्तविक तौर पर हमारी धर्म संस्कृति के आधार पर विक्रम संवत 2081 आज से प्रारंभ होता है। आज ही नव वर्ष का पहला दिन है, ये भारतीय धर्म और संस्कृति के आधार। तो विक्रम संवत 2081 इस पावन अवसर पर बसंत ऋतु के इस नवरात्रि के पहला नवरात्रि के अवसर पर आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। कल हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से भारत पर पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और उसके बाद तुर्क आक्रमण सुबकतगीन, और फिर उसी का पुत्र महमूद गजनवी। उसके पश्चात भारत पर जो आक्रमण होता है वह होता है मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, जिसे मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। भारत पर अगला मुस्लिम आक्रमणकारी यही था। इसने सबसे पहली बार 1175 ईस्वी में इसने वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान पर आक्रमण किया उसके बाद 1178 ईस्वी में इसने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। आपको ज्ञात है कि गुजरात का ही शासक भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने पाटन पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन अब स्थिति उल्टा था, उसी वंश का शासक भीम प्रथम की जगह पर भीम द्वितीय है, और भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को ऐसा पराजित किया कि जब तक भीम द्वितीय जिंदा रहा, मोहम्मद गौरी दोबारा गुजरात में प्रवेश नहीं। 1178 में के बाद उसका महत्वपूर्ण उल्लेखनीय आक्रमण 1191 तराइन का प्रथम युद्ध था। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाता, अर्थात मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी। पहली बार 1178 में भीम द्वितीय से, और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय से। लेकिन अगले ही वर्ष स्थिति बदल जाती है और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का ससुर जयचंद्र ने गौरी को सहायता दिया था और जयचंद्र की सहायता से ही पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित करने में सफलता पाई। भारतीय इतिहास में तो पूरे भारतीय इतिहास जो है ये गवाह है कि भारे का सैनिक के रूप में हम लोग सदैव विदेशियों को प्राप्त होते रहे और वो भारत पर विजय प्राप्त करता रहा। एक नहीं, आप बैटल ऑफ इम्फाल को देखिए, उसमें लड़ने वाले अंग्रेजों की तरफ से भी भारतीय थे और आजाद हिंद फौज की ओर से भी लड़ने वाले भारतीय थे, दोनों तरफ से मरने वाला भारतीय। इतिहास गवाह है कि बाबर 12,000 सेना को लेकर, मात्र 12,000 सेना को लेकर फरगना से चला था, और बाद में उसके पास जब वह पानीपत के प्रथम युद्ध में मैदान में आया तो उसके पास 30,000 सेना थी। वो सभी भारतीय भारे के सैनिक थे। तो बड़े आसानी से कुछ धन के लिए हम लोगों ने सदैव भारत को नुकसान पहुंचाता रहा। तो यहां भी स्थिति वही थी। यहां भी हम देखते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में अब राजा ही जयचंद का दामाद था पृथ्वीराज चौहान, जयचंद ने गौरी को साथ दिया और गौरी को विजय प्राप्त। लेकिन आपको पता है, कहा जाता है ना कि जो गड्ढा खोदता है उसके लिए भी गड्ढा खोद जाती है। और 1194
चंदावर के युद्ध में, क्योंकि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज, ये मोहम्मद गौरी जो है महमूद गजनवी की तरह नहीं था, केवल धन लूट करके इस्लामिक सभ्यता की श्रेष्ठता को कायम करके वापस लौटने नहीं आया था, बल्कि इसे भारत में साम्राज्य स्थापित करने की आकांक्षा के साथ भारत आया था। तो भारत में जब विजय प्राप्त करना है, भारत में जब साम्राज्य की स्थापना करना है, भारत पर जब इस्लामिक सभ्यता को थोपना है, तो भारतीय राजाओं से उसे संघर्ष करना होगा और आगे बढ़ते हुए चंदावर युद्ध में यकीन तौर पर मोहम्मद गौरी के साथ जयचंद बड़ी वीरता से लड़ा, कठिन संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः पराजय का सामना करना पड़ा। यदि यही एकता दिखलाया जाता जयचंद और पृथ्वीराज चौहान मिलकर होते तो गौरी को बड़े आसानी से पराजित किया जा सकता। बीते हुए क्लास में कल बतलाए थे कि जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो कन्नौज का शासक राजा जयपाल मैदान छोड़कर भाग गया था। बाद में चंदेल शासक विद्याधर के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने इसे अपनी जातीय अपमान बतलाकर राजपाल, यदि यही जातीय अपमान, यही राष्ट्रीय जातीय अपमान यदि आप मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ एकता के रूप में दिखलाते और सभी राजपूत मिलकर उससे लड़ते तो आसानी से महमूद गजनवी को पराजित किया जा सकता था, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय एकता, वहां जातीय स्वाभिमान काम नहीं आया महमूद गजनवी के खिलाफ। लेकिन जो राज्यपाल जो कमजोर था तब तो भाग गया, और वहां पर एक हिंदी में पंक्ति है, लौका पर चाकू तेज, लौका कमजोर है चाकू बड़े तेज गति से काटता है, स्थिति वहां ही उस कमजोर को मार दिया। जहां आपको उसी जातीय स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रदर्शन करना था वहां तो किए नहीं, स्थिति देखिए यहां पर। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने काशी नरेश कन्नौज का शासक जयचंद को पराजित किया, अर्थात दिल्ली का शासक चंद पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश के शासक जयचंद को हराया, लगभग उत्तर प्रदेश पर मोहम्मद गौरी का विजय प्राप्त हो जाता है। मोहम्मद गौरी उसके पश्चात छोटे बोते अन्य युद्ध करते हुए वह अपना देश वापस गौर प्रदेश को लौट गया और भारतीय क्षेत्र का उत्तराधिकारी उसने अपना प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। गुलाम कितना विश्वसनीय होता था, मिनहाज उस सिराज लिखता है, मिनहाज उस सिराज लिखता है तबकाते ए नासिरी, तबकाते ए नासिरी पुस्तक में कि गुलाम पर लोग अपने पुत्र से भी ज्यादा विश्वास, ज्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर पुत्र पहले अपनी जीवन की रक्षा करता है उसके बाद पिता की, लेकिन गुलाम जो है अपने जीवन को समर्पित कर देता था, या उसकी बाध्यता थी कि सुल्तान की रक्षा के लिए, अपने मालिक की रक्षा के लिए। तो गुलाम अपने प्रिय गुलाम को ही उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका सेनापति था, मलिक के पद पर था, उसे उसने भारतीय क्षेत्र का उत्तराधिकारी। मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक था, लेकिन उसका एक अब जो भी कारण रहा हो, उसने देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की आकृति का, माता लक्ष्मी की आकृति का उसने सिक्का ढाला था। ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा में पूछा हुआ क्वेश्चन कि माता लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की आकृति का सिक्का ढालने वाला शासक कौन था। एग्जाम में क्या करता है, माता लक्ष्मी है तो दो राजा हिंदू दे दिया, तो एक दो मुस्लिम दे दिया, तो अक्सर हाँ विद्यार्थी समझता है कि मुस्लिम तो होगा नहीं, और वह अक्सर हाँ इसमें गलती कर देता है। तो यहाँ पर है मोहम्मद बिन साम, अर्थात मोहम्मद गौरी ने देवी माता लक्ष्मी की आकृति का सिक्का को जारी किया। मोहम्मद गौरी के भारतीय क्षेत्र का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बना। अब प्रश्न यहाँ पर यह था कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह तो कई गुलाम उसके पास, जब तक मोहम्मद गौरी जिंदा था तब तक तो ठीक है भाई, जिसको उसने उत्तराधिकारी सौंपा वो कार्य करेगा। लेकिन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे माना जाता है कि मोहम्मद गौरी के खोखर के युद्ध में मोहम्मद गौरी मारा गया था, ऐसा माना जाता है
कि मोहम्मद गौरी मरने के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी की दास्ता से मुक्त करने का फरमान पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन इस पर इसके पास वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास वो फरमान, मोहम्मद गौरी का वो फरमान पहुंचता उसके पहले ही खुदा को प्यारा हो चुका था मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी के मृत्यु पर एक और समस्या होती है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखा, यह लिखता है अपनी पुस्तक में कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया, उसे अंधा कर दिया, दोनों आंख फुरबा दिया, उसे अंधा कर दिया और गौर अर्थात वर्तमान अफगानिस्तान के जेल में कारागार में उसे बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो दूसरा पहलू आता है वो कहता है कि उसे कारागार में बंद रख दिया गया, आंख फोड़ दिया गया, अंधा कर दिया गया। वक्त गुजरा, समय गुजरा, उसके बाद चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को ये विश्वास दिलाने में सफल रहा कि मेरा राजा अंधा होते हुए भी इतना कुशल निशानेबाज है, शब्द वेदीवान अर्थात आवाज पर वो एक्यूरेसी के साथ ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता की तरह वह निशाना लगाता है, अंधा होने के बाद आवाज पर आवाज, शब्द वेदीवान। अपने धार्मिक कहानी पढ़ा, शब्द वेदीवान का प्रयोग राजा दशरथ ने किया था, श्रवण के पिता की मृत्यु उसी से हुई। तो शब्द वेदीवान मोहम्मद गौरी में ये आकांक्षा जागी कि भाई कैसा धनुर्धर है कि अंधा है और फिर भी यह इतना सटीक निशाना लगा सकता है। तो चंद्र बरदाई की इस बात को उसने आजमाने का प्रयास किया और निश्चित स्थान पर बैठा जहां चंद्र बरदाई पहले से ही उस स्थान का मुआयना किए हुए थे। और उसका एक पंक्ति है, बड़ा फेमस पंक्ति है, भारत के कई बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों को पंक्ति याद रहती है, आज भी बोला जाता है, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। और इस आवाज पर उसने निशाना लगाया और मोहम्मद गौरी को तीर लगा। अब थोड़ा सा मेरे मस्तिष्क में ये बात उभर कर आती है, यदि ये पंक्ति सही है तो चंद्र बरदाई मोहम्मद गौरी का इतना विश्वसनीय बन चुका था कि जहां गौरी बैठा हुआ था, क्योंकि शब्द वेदीवान है, आवाज तो चंद्र बरदाई का है, तो चंद्र बरदाई ये पंक्ति बोला। या हो सकता है कि वह कोई वहां मोहम्मद गौरी के पास कुछ आवाज हुआ, कैसे अब कुछ पता नहीं कर सकते, क्योंकि गौरी को निशाना लगा तो गौरी के पास आवाज हुई हो, ये पंक्ति चंद्र बरदाई बोलता है, तो गौरी तो अपने हाथ के पास रख के तो निशाना नहीं लगा, ताली नहीं बजाएगा ताकि यहीं पर तुम हम पर धनुष चला दूं। खैर मैं बहुत तरह के मन में कौतूहल उठता है हमारे मन में कैसा है। अब यहाँ प्रश्न ये भी है कि 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु, 14 वर्ष। बोलो अब कोई भगवान तो था नहीं, 14 वर्ष तक कारागार में अंधा के रूप में रहा बिना प्रैक्टिस का, इतना सटीक निशानेबाजी है, अब उस पर तो कुछ कह नहीं सकते। इतिहास चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज पुस्तक में वो दर्ज है। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, एक तो चंद्रवरदाई का है कि भाई जो घटना बतलाए, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान मारा गया, तीसरा है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लिया और अजमेर का शासक बना, बाद में विद्रोह किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी हत्या कर दिया। खैर अब यहाँ पर जो है चंदावर युद्ध के पश्चात जहां मोहम्मद गौरी लौट जाता है, उसके बाद 1206 में उसकी मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नई राजवंश की स्थापना किया जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है
और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत अर्थात सुल्तान का शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक का काल को भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक दो नहीं क्रमशः 5 राजवंश का शासन रहा। पांचों राजवंश को सामूहिक तौर पर दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414-1451 ईस्वी, लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। तो पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक भी नाम उचित नहीं। हाँ, इसके महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक गुलाम रहे हैं, लेकिन सभी शासक गुलाम नहीं थे। तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था और मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते गए क्षेत्र का वो शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। इसने लाहौर को राजधानी बनाया। नंबर एक, कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि गुलाम था, अन्य कई गुलाम थे जो इसके प्रतिद्वंदी थे। गौरी की मृत्यु के बाद वो प्रतिद्वंदता उभर कर सामने आई। उसमें इसने बड़ा ही दिमाग से काम लिया, बड़े कूटनीति से काम लिया। विवाह के बिसात पर राजनीति का चौसर को इसने इस कदर बिछाया ताकि इसका राज सुरक्षित रह सके। उस वक्त तक इल्तुतमिश, जिसे हम गुलामों का गुलाम के नाम से जानते हैं, इल्तुतमिश से इसने अपनी बेटी की शादी कर दिया, अर्थात इसे दामाद बना लिया। और एल्दौज, जो दूसरा शक्तिशाली गुलाम था, एल्दौज की बेटी से यह स्वयं विवाह कर लिया, अर्थात एल्दौज का ये दामाद बन गया। और तीसरा था कुवाचा, कुवाचा से अपनी बहन की शादी कर दी, उसे बहनोई बना ली। तो तीन गुलाम जो शक्तिशाली थे, तीनों के साथ इसने कितना बेहतर वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी राजसत्ता को मजबूत संगठित किया। अब इसके पहले एक और गुलाम थे बख्तियार खिलजी, जैसे पटना जिला का बख्तियारपुर उसी के नाम पर बसा हुआ है। बख्तियार खिलजी बिहार में सबसे पहले मुसलमानों का जो राज रहा वो था मनेर, पटना जिला का मनेर, वहीं पर उसने सबसे पहले एक क्षेत्र पर अधिकार किया था। मनेर से होते हुए बख्तियार खिलजी पहले मनेर में आया, क्योंकि वहां उसका पहले से ही कब्जा हो चुका था। तो मनेर में आया, कुछ दिन ठहरा, फिर वहां से संगठित होकर के वो बख्तियारपुर तक पहुंचा। बख्तियारपुर में आने के पश्चात उसकी तबीयत कुछ ज्यादा नासाज हो गई। जितने भी मुस्लिम विद्वान मुस्लिम चिकित्सक थे, कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका। उसकी तबीयत निरंतर कंटिन्यूटी के साथ लगातार जो है नासाज होता गया, बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा चलता गया मर्ज बढ़ता गया। उसे सूचना मिली कि नालंदा विश्वविद्यालय का, जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, वो आयुर्वेद के विद्वान है और वो चिकित्सा कर सकते। उनका नाम था सिल भद्रियाजी, सिल भद्रियाजी। अब वह शुरू में तो इनकार किया कि भाई हम, क्योंकि इस्लामिक सभ्यता संस्कृति हमारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, तो हमसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है, हमारे धर्म से बेहतर चिकित्सक किसी अन्य धर्म में कैसे हो सकता है, उसे इस बात का विश्वास ही नहीं था। लेकिन मरता क्या नहीं करता, हारे को हरिनाम। अंत में सिल भद्रियाजी को आमंत्रित किया गया। सिल भद्रियाजी पहुंचते हैं बख्तियारपुर राज के, अर्थात नालंदा से बख्तियारपुर आए। क्योंकि अब बख्तियारपुर में इसकी सेना के साथ वहां ठहरा था, तो उसके रहने, उसके भोजन पानी का प्रबंध करवाने के लिए एक बाजार स्थापित करवाया और वही बाजार अभी बख्तियारपुर के नाम से जाना जाता है। और सिल भद्रियाजी की चिकित्सा पद्धति पर कहा कि भाई हम धार्मिक मामले में बड़ा कट्टर हैं,
अब आपका धर्म के आधार पर दोगे तो हमारा धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए हम कोई ऐसा चीज दबा नहीं खाएंगे जो हमारे धर्म के प्रतिकूल हो, और बिना हमारे धर्म को आघात पहुंचाए हमारी धार्मिक भावना के आधार पर भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। तो सुशील भद्रिया जी स्वीकार किया, कहा मुझे आपके धर्म से किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा, कोई ऐसा चिकित्सा पद्धति नहीं अपनाऊंगा जो आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता हो। आप कुरान तो पढ़ते होंगे, कुरान खान के नाम से उसे जाना भी जाता था, निरंतर कुरान पढ़ा भी करता था, तो आप कुरान तो पढ़ते होंगे, अपना एक कुरान दीजिए, धार्मिक पुस्तक दीजिए, उसमें उसने कुछ पारदर्शी लेप लगाया ताकि उस पर दिखे नहीं, और उस वह जो है सो आदित्य मुस्लिम लोग जो है ऐसे पन्ना जीव से थूक से हाथ बदलते हुए पन्ना पलटता है, और वह पन्ना पलटता था और उस पर जो लेप था चिकित्सा का दवा का, उस लेप उसके जिह्वा पर स्पर्श करता था और धीरे 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 वो स्वस्थ हो गया। जब उसे जानकारी मिली कि हम जो स्वस्थ हुए उसमें श्री भद्रिया जी का ये ताकत, तो उसे लगा कि भाई जब इतने विद्वान इतने बेहतरीन जानकार आदि भारत में व्यक्ति हैं तो हम ताकत के बंदूक के तलवार के बल पर तो जीत सकते हैं लेकिन भारत पर राज नहीं कर सकते हैं। यदि भारत पर राज करना है तो यहाँ की अपनी संस्कृति और अपनी ज्ञान को नष्ट करना होगा, तभी इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और यही कारण था कि बख्तियार खिलजी ने 1197-98 में स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में जहाँ उसे पारितोषिक देना चाहिए था, उसने इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए पहले बख्तियारपुर के पहले आगे बढ़ा, बख्तियारपुर से बिहार शरीफ उदंतपुरी विश्वविद्यालय, फिर वहां से आगे बढ़ा राजगीर से आगे बढ़ते नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, आग लगा दिया ताकि यहाँ का एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं हो। वहाँ जितने भी विद्यार्थी थे या तो उसकी मौत के घाट उतार दिया या उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बाध्य किया, और यहीं से शुरुआत होती है इस्लामिक सभ्यता का, इस्लामिक क्रूरता का तांडव नृत्य जो भारतीयों ने वर्षों तक 1206 से लेकर 1857 तक इस्लामिक क्रूरता के भारत में कुछ ऐसा दंश झेला, इसकी मानसिकता में कुछ इस प्रकार का गुलामी और भय का भावना व्याप्त हो गया, इसकी अपनी बौद्धिकता ही कहीं खो गई। इस बात का बीएस नेपाल ने अपनी पुस्तक में बड़ा ही बेहतर ढंग से बाद में उनकी काफी आलोचना हुई, लेकिन हकीकत यही था कि वर्षों से सैकड़ों वर्षों से गुलामी की दास्ता और भय ने भारतीयों की बौद्धिकता को ही बर्बाद कर दिया। जो दुनिया का सबसे बौद्धिक देश भारत था वह जी हुजूरी और एस बॉस की भारत में रूप में बदल गया, और आज भी हम उसी रूप में लगभग लगभग अपने को स्थापित किए हुए। लेकिन शक संबत और विक्रम संबत में थोड़ा सा चलिए, आखिरकार जब भारतीय धर्म और संस्कृति में विक्रम संबत की शुरुआत ग्रेगेरियन कैलेंडर अर्थात जनवरी फरवरी मार्च से पहले से हो चुका था, ये 2024 से वो 2081 है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार 1957 में राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा देने की बात है, शक संबत हो गई। शक संबत तो विदेशियों ने कनिष्क में चलाया था, विक्रम संबत शक संबत जो था वह 1946 से अर्थात ये जो ग्रेगेरियन कैलेंडर के बाद शुरू हुआ। तो हमें अपने पर गौरव करने की बजाय वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था कि हम भारत पर राज किए हैं तो भारत में इस प्रकार की और यहाँ जो गुलामी की मानसिकता वाले व्यक्ति मौजूद थे, कितनी मानसिकता गुलामी की थी कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जब देश की स्वतंत्रता के बाद झंडा की प्रारूप तैयार हुआ उस प्रारूप में वो चाहते थे, महात्मा गांधी का स्पष्ट वक्तव्य है, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे उस पर यूनियन जैक अर्थात इंग्लैंड का राजकीय चिन्ह इंग्लैंड के झंडा का भी एक कोनाम स्थान दिया जाए, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास में उसका भी योगदान रहा है और उसने हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो गुलामी की मानसिकता कुछ इस कदर से हावी था कि झंडा पर भी हमारे राष्ट्र की झंडा पर भी उसका इंग्लैंड का राष्ट्रीय झंडा को बनाने की तैयारी चल, महात्मा गांधी तो स्पष्ट बोले कि वैसी झंडा का हम कल्पना नहीं कर सकते जिसमें यूनियन जैक का निशान नहीं। तो ये थी गुलामी की मानसिकता। स्वतंत्र होना तो हम लोग राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र हो गए,
लेकिन मानसिक तौर पर आज भी कहीं न कहीं गुलामी की दास्ता लगभग 90% भारतीयों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। जेनेटिक गुण आ गया है गुलामी की दास्ता। यही कारण था उसने गुलामी की दास्ता उस भारतीयों में पोषित करने के लिए तमाम इसके ज्ञान का केंद्र को ही नष्ट कर दिया। ज्ञान का कोई केंद्र नहीं होगा, इनकी जो अपनी बौद्धिकता खत्म हो जाएगी तो फिर जो हम कहेंगे वही श्रेष्ठ होगा और फिर हमारी सत्ता को यहाँ स्थापित करने से कोई रोक नहीं सकता। और वह काम में सफल रहा और वर्षों तक दुनिया का सबसे लंबे समय तक देश यदि कोई गुलाम रहा तो वो था भारत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन बख्तियार खिलजी ने 1197-98 में पहले उदंतपुरी विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय, फिर भागलपुर के नजदीक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यही तीन विश्वविद्यालय भारत के क्षेत्र में थे, तीनों को नष्ट कर दिया गया। अश्वनाथ मंदिर जहाँ धार्मिक सांस्कृतिक एकता केंद्र था उसे तो एक दो बार नहीं कहते हैं, 13 से अधिक बार उसे नष्ट किया गया ताकि यहाँ की अपनी जो संस्कृति है उसको, और बहुत सारी किताब अलबरूनी, अब देखिए अलबरूनी वगैरह जो किताब लिखता उसको हमारे इतिहास का बड़े सत्य मान लेते, जान बुझ कर उसने इतिहास में पन्नों पर और भारतीय में इस प्रकार को जोड़वाया गया ताकि भारत की जो अपनी संस्कृति है उसमें इतनी खामियां दिखलाया जा सके ताकि हम लोग उस पर राज सत्ता स्थापित, और 1206 से लेकर लंबे समय तक धीरे धीरे वही जो असत्य उसमें बोझा बीज बोया गया वही असत्य को सत्य मानते चले गए। 1200 ईस्वी तक आते आते बख्तियार खिलजी ने 1197-98 में नालंदा विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते हुए वो बंगाल पहुंचता है जहां बंगाल का शासक लक्ष्मण सिंह, अब इतना भय व्याप्त हो चुका था पृथ्वीराज चौहान की पराजय, जयचंद्र की पराजय से लेकर के अजमेर से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र पर, तब सोचिए भय के कारण क्या होता है जब लक्ष्मण सिंह अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जब बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सिंह का राजधानी क्षेत्र नादिया पहुंचता है, लखनौती था, लखनौती पहुंचता है तो उस वक्त जो किला के किलेदार थे आराम से बैठे हुए थे, कभी कोई बड़े आसानी से किलेदार की हत्या करते हुए बख्तियार खिलजी किला के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके पास मात्र 12 सेना थी, वह घोड़ा पर चल रहा था, बाकी सेना काफी पीछे। लक्ष्मण सिंह से भोजन कर रहा, शोर शराबा को सुनकर बाहर आया, पूछा क्या हुआ, तो मुसलमानों का अरब का आक्रमण हो गया है, तुर्क का आक्रमण हो गया, और बस उसने बोला कि बस यही लोग ने 10-12 जहां इधर से आए, आज आवाज आई 10-12 नहीं पूरा फौज आ रहा है, जबकि उसके साथ फौज था, यही आत्मविश्वास उसकी विजय का वो आत्मविश्वास था कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय को नष्ट करते हुए भारतीयों को मारते हुए उसमें वो आत्मविश्वास था, और यहाँ बारम्बार जो पराजय का बोध था उस पराजय की बोध ने लक्ष्मण सेन जैसे शक्तिशाली शासक को भी बिना लड़े वह गुप्त दरवाजा से भाग गया तो कभी लौट कर आया। बड़े आसानी से बख्तियार खिलजी और उसके साथ 12 सैनिकों को आसानी से कत्ल किया जा सकता था। अब इस विजय पर, इस पराजय को विजय में बदला जा सकता था, लेकिन जब गुलामी और भय की मानसिकता होती है तो बौद्धिकता समाप्त हो जाती है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाते हुए उसने उस बौद्धिकता पर भी आघात किया है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया, उसने इल्तुतमिश को दामाद, इल्दौज का स्वयं दामाद बना और कुबाचा को बहनोई बनाया ताकि राजनीतिक तौर पर अपनी शक्ति को मजबूत कर सके। चूंकि यह व्यवहार में गुलाम था और गुलामी की दास्ता से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यह सुल्तान नहीं बन सकता था, इसलिए इसने मलिक की उपाधि के साथ ही शासन किया, कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। इसने कोई नई विजय प्राप्त नहीं किया क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु की सूचना पर भारत के हिंदू राजा लगातार विद्रोह करते रहे ताकि अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखा जा सके, और इसने पुनर्विजय करने में ही इसका सारा समय गया, इसलिए यह कोई नई विजय प्राप्त नहीं कर सका। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया
ताकि मुसलमान लोग जो है वहाँ जो उसके धर्म गुरु हैं नमाज पढ़े और दूर दूर तक वो आवाज पहुंचे। लेकिन बख्तियार ये मोहम्मद लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, निर्माण करवाने में एक ही मंजिल बना था कि इसकी मृत्यु हो जाती है, बाद में उसे पूरा किया गया तो टोटल जो है 72.5 फीट 72.5 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार। पहला मंजिल का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद दूसरा तीसरा और चौथा मंजिल का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने और निर्माण को पूरा कर दिया। लेकिन जब बिजली गिरने से ठनका गिरने से इस कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा, तब फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत करवाते हुए इसका पांचवा मंजिल का निर्माण करवाया। ऐसे इस कुतुब मीनार का मरम्मत करवाने काम रजिया सुल्तान के द्वारा भी किया गया था। सिकंदर लोदी ने भी इसे पुनर् इसका जो है सो मरम्मत करवाने का काम किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 27 जैन हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। आज भी उस मस्जिद के दीवार पर उसके खंभे पर हिंदू और जैन धर्म की आकृति के भरपूर वहाँ उपलक्षण उपलब्ध हैं। स्वास्तिक की आकृति, कमल का फूल, हाथी, ये घंटा, ये सब ऐसी कई कई आकृतियाँ वहाँ मौजूद हैं जो हिंदू स्थापत्य का वो जीवंत उदाहरण है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ पर हिंदू मंदिरों को किस प्रकार से तोड़कर 27 मंदिरों को जैन हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में सरस्वती मंदिर को तोड़कर सरस्वती मंदिर की दीवार पर हरिकेल नामक नाटक लिखा हुआ था, उस मंदिर को तोड़कर उसने अढ़ाई दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख वक्स के नाम से वह इस्लामी लोगों को लाखों दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख वक्स के नाम से भी जाना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो चौगान या पोलो खेल रहा था, इसका चौगान खेल का भी जनक भारत ही है, मणिपुर में इस खेल की शुरुआत हुई। चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा, इसका नाम था आराम शाह, जो नाम के अनुकूल ही आरामदायक जीवन गुजारने वाला व्यक्ति था, यह सुल्तान बना। मात्र 8 महीना शासन किया, राज्य में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप हुआ कि दिल्ली के तुर्क अमीर तुर्क तो जाति हो गई, अमीर से तात्पर्य हुआ आज के कह सकते हैं मंत्री परिषद संसद, मतलब वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो धनाढ्य व्यक्ति जो सेना से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते थे, सैन्य संचालन सहित प्रशासन का काम देखते थे, उसे अमीर कहा गया। तो तुर्क अमीर वर्ग ने नवगठित तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सुयोग सेना नायक इल्तुतमिश अर्थात ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, जो उस वक्त बदायूं, उत्तर प्रदेश बदायूं का सूबेदार था, उसे सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। और इल्तुतमिश ने इस आमंत्रण को स्वीकार करके अपना साला आराम शाह की हत्या करके यह दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। इसे ही दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने ही राजधानी लाहौर की जगह दिल्ली को बनाया। यह पहला मुस्लिम शासक था जो इलवरी तुर्क जाति का था। इसने ही इलवरी तुर्क जाति का भारत में स्थापना की। इल्तुतमिश में 5-7 क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। इसे भी यह चूंकि स्वयं गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, बाद में इसे गुलामी की दास्ता मुक्ति से मुक्ति मिल गई क्योंकि इसने गुलाम की बेटी से शादी कर लिया था, दामाद को गुलामी की दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। ये गुलामों का गुलाम कहलाता है इल्तुतमिश। पहला मुस्लिम शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से खिलियत
अर्थात मान्यता प्राप्त किया, अर्थात ये मान्यता प्राप्त पहला मुस्लिम शासक बन गया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया। राजस्थान विजय के उपलक्ष्य में इसने अतारकीन अर्थात विशाल दरवाजा का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी सिक्का, टंका चांदी का और जीतल तांबा का, शुद्ध अरबी सिक्का टंका और जीतल के नाम से इसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्का को प्रचलन में लाया। इल्तुतमिश ने ही भारत में इक्ता प्रणाली अर्थात प्रशासन को अलग अलग इकाई में राज में बांटा, प्रत्येक इक्ता का प्रधान को मुक्ति के नाम से जाना गया। इसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज को एक व्यवस्थित क्रम में करने का प्रयास किया, अरब देश का सिक्का को चलाया, अरब देश की तरह प्रशासन में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया। इसे भी अपने गुलामों पर विश्वास था। इसने तुर्कान ए चिहलगानी अर्थात चालीसा के नाम से गुलामों का एक संगठन बनाया। तुर्कान ए चिहलगानी अर्थात चालीसा के नाम से गुलामों का एक संगठन बनाया और उसे ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करता था। इसके शासन काल में ही 1221 ईस्वी में चंगेज खां, मंगोल नेता चंगेज खां भारतीय सीमा में प्रवेश किया। अलग बात है भारत को उसे युद्ध नहीं करना पड़ा क्योंकि वह मध्य एशिया का शासक मंगवर्नी का पीछा करते हुए आया था। मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से संरक्षण की मांग की, इल्तुतमिश संरक्षण देने से इनकार किया, उसे भारत छोड़ना पड़ा। अंत में यह मंगोल नेता चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए आया था भारतीय सीमा से, फिर वो आगे बढ़ गया तो भारत मंगोल नेता चंगेज खां के आक्रमण से सुरक्षित रह गया। मंगोल नेता चंगेज खां स्वयं को भगवान का अभिशाप मानता था, विश्व के सबसे क्रूरतम शासक में से एक रहा है। इसने कत्लेआम उसने किया तो उसके आक्रमण से भारत सुरक्षित बच गया। चंगेज खां पहला आक्रमण खारिज था जो मंगोल के रूप में, तो 1221 में इसके शासनकाल में ही आक्रमण हुआ। दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश ने विधिवत तौर पर बिहार से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया, अर्थात एक विस्तृत उत्तर भारत के राज पर इल्तुतमिश ने साम्राज्य की स्थापना की। इसमें एक और है, इल्तुतमिश का बेटा महमूद जो सबसे सुयोग्य बेटा था, आकस्मिक रूप से पिता के जीवन काल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपने बेटा के सम्मान में उसने दिल्ली के सुल्तान गढ़ी में मकबरा बनाया जो भारत में पहला मकबरा है। इल्तुतमिश का बेटा का प्रथम मकबरा जो है वो भारत में सुल्तान गढ़ी में बना हुआ पहला मकबरा। इल्तुतमिश के बारे में जानकारी मिलती है मिनहाज उस सिराज का तबकाते ए नासिरी, यह पुस्तक जो है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की जानकारी देने के लिए सबसे उत्तम माध्यम। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि अन्य बेटा नालायक था, अयोग्य था, सबसे सुयोग्य बेटा मर चुका। अब सोचिए रजिया सुल्तान योग्य शासिका होती। मिनहाज सिराज लिखता है कि रजिया अपने भाइयों की तुलना में ज्यादा सुयोग्य और शासक बनने की उसमें तमाम गुण मौजूद है, लेकिन चूंकि वो एक महिला है इसलिए महिला को राजसत्ता नहीं दी जा सकती है। तो योग्यता नहीं बल्कि वहां एकदम इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक में किया। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। चलिए आज हम लोग जो है यहाँ तक फिर इसे कभी अगले करीब इसे पूरा करेंगे, इल्तुतमिश तक की चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई बहुत ही रोचक लगा होगा। कहानी के रूप में मैंने इसे पढ़ाया, जैसा कि आपकी कुछ विद्यार्थी ने मांग किया था कि इतिहास को कहानी की तरह पढ़ाया जाए सर, तो कहानी की तरह पढ़ाए। मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई बेहतर लगी होगी, रोचक लगा होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और यदि ऐसा है तो आप इसे शेयर करना, इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।